Good morning, student. Today I will continue chapter number 1. हम अपना revision कर रहे थे chapter number 1 का. Yesterday class जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको chapter एक बार वापस chapter की the magic garden है उसकी story बताई थी. और आज हम start करते हैं अपनी exercise को explain करना. तो first question है हमारा passage type question first and second. मतलब first में ही फर्स्ट और सेकंड पैसेज वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन ए, वेयर वाज द मैजिक गार्डन. तो आपको इसमें क्या करना है, पैसेज में से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, मतलब आंसर आपको देखना है कि कौन सा आंसर होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है या आंसर्स आपको देने होते हैं. तो फर्स्ट हमारा टिक द करेक्ट वाला ऑप्शंस वाला, जिसमें आपको थ्री ऑप्शंस गिवन है, वो क्वेश्चन है वेयर वॉज द मैजिक गार्डन. तो यहाँ पे आपको देखना है ये जो पैसेज मिल है ना, उसमें से आपको देखना है कि मैजिक गार्डन कहाँ था. वेयर का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू एच ई आर ई, डब्ल्यू ई आर ई वर होता है, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर होता है. तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ के लिए, तो वेयर वॉज द गार्डन, तो कहाँ था गार्डन, तो इसमें पैसेज में फर्स्ट लाइन में गिवन है द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड. कहाँ था मैजिक गार्डन, स्कूल प्ले ग्राउंड में. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, इन अ स्कूल प्लेग्राउंड. ठीक है, क्वेश्चन बी है द मैजिक गार्डन वाज वेरी अगली. इसी में आप देखो जब चैप्टर को में, सॉरी चैप्टर में तो नहीं, पैसेज में आपको देखना है इट वाज वेरी प्रिटी. प्रिटी का मतलब क्या होता है, सुंदर, बहुत अच्छा, सुंदर. तो इसमें अगली कह रहा है, तो ये तो अगली का मतलब होता है बुरा भद्दा. तो बुरा तो नहीं था, वो बहुत प्रिटी था. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको. ट्रू का मीन्स होता है, टी का मीन्स क्या होता है, ट्रू. तो इसका मीन्स होता है जो चीज़, जो भी स्टेटमेंट अगर बात सही कही जाती है तो उसके लिए ट्रू, अगर वो चीज़ गलत कही जाती है, स्टेटमेंट वो गलत होता है तो उसके लिए फॉल्स. मीन्स एफ उस पर टिक करते हैं. तो मैजिक गार्डन अगली नहीं था, वो तो बहुत प्रिटी था, तो ये बात गलत कह रहा है वो, तो ये क्या होगा, फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, डैश एंड डैश स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. तो हम देखते हैं, आगे रीड करते हैं, सनफ्लावर एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. तो हमें सेकेंड लाइन में आंसर मिल गया, तो आपको क्या लिखना है, सनफ्लावर्स एंड रोजेज, सनफ्लावर और रोजेज. ठीक है, क्वेश्चन डी, नेम फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन. यहाँ पे आपको बताने हैं फाइव फ्लावर्स के नेम जो मैजिक गार्डन में थे. बहुत ईजी होता है, आपको पैसेज में से ही आंसर्स ढूंढकर फिर लिखने होते हैं. तो कौन कौन से, एक तो सनफ्लावर हो गया, एक रोज हो गया, एक मैरीगोल्ड हो गया, पॉपीज हो गया, एंड साइज हो गया, ये मैंने आपको कल भी चैप्टर में बताया था. ठीक है, तो ये नेम हो गए. क्वेश्चन ई, व्हाट डिड द फ्लावर्स डू व्हेन द सनशाइन फेल ऑन द गार्डन. ये भी क्वेश्चन ही है. इसमें क्वेश्चन का मतलब हुआ कि व्हाट डिड द फ्लावर्स डू, डू का मतलब करना, कि फ्लावर्स क्या करते थे, व्हेन द सनशाइन, जब सनशाइन यानी जब धूप है उनके ऊपर गार्डन में आती थी, यानी गार्डन के ऊपर आती थी, तो फ्लावर्स क्या करते. तो यहाँ पे देखो आंसर है, वैसे आपको मैं बता देती, क्या करते थे वो, डांस करने लग जाते थे, डांसिंग करने लग जाते थे और गाना गाने लग जाते हैं. तो यहाँ पे है, देखो इसी पेज में है टॉप पे, लाइक द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली. तो द फ्लावर्स डांस एंड सैंग हैप्पीली, बस खुशी के साथ गाते थे और डांस करते थे. क्वेश्चन एफ, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ सोरोफुली फ्रॉम दी पैसेज. सोरोफुली का मतलब का आपका मतलब होता है, सोरो का मतलब होता है दुखी, है ना, और इसका अपोजिट होगा ग्लैडली, तो हैप्पीली, हैप्पीली हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि पैसेज में से आपको बताना है. तो सोरोफुली का मतलब दुखी के साथ, दुखी, और हैप्पीली का मतलब खुशी के साथ. तो यहाँ पे लास्ट वर्ड है, यहाँ पे सैंग हैप्पीली, तो हैप्पीली हो जाएगा इसका. ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, ये भी पैसेज वाले क्वेश्चन है. क्वेश्चन इसमें ये है, हु सेड दिस लाइन, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन. कौन ये कहता है कि हम लिटिल, छोटे बच्चे से प्यार करते हैं. यहाँ पे देखो, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड. किसने कहा, ये टाइनी बर्ड ने, छोटी सी चिड़िया ने. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, अ टाइनी बर्ड. क्वेश्चन बी, द चिल्ड्रन आर अनकाइंड. चिल्ड्रन अनकाइंड थे. अनकाइंड का मतलब होता है काइंड नहीं होना, अपोजिट हो जाता है काइंड का. काइंड का मतलब होता है दयालु, बहुत सबकी हेल्प करने वाले, सोचने वाले, है ना. तो अनकाइंड तो नहीं थे, ये फॉल्स है ये बात भी. क्वेश्चन सी, व्हाट डू द चिल्ड्रन ब्रिंग फॉर द बर्ड्स. जो चिल्ड्रन है
वो बर्ड्स के लिए क्या लेकर आते थे यहाँ पे देखिए आप, दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, क्या लेकर आते थे, ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, व्हाई डू द फ्लावर्स वांट टू वर्क हार्ड, फ्लावर्स क्यों चाहते थे वर्क हार्ड करना, तो यहाँ पे है वी मस्ट, सेकंड लाइन में है वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेस वेरी प्रीटी, क्यों करना चाहते, ताकि उनकी जो ड्रेस है, ड्रेस का मतलब जो ऊपर से वो जो नजर आते फ्लावर्स वो बहुत सुंदर नजर आए इस वजह से। वॉट डज हेयर इन द कॉन्टेक्स्ट रेफर टू, हेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, हेयर का यहाँ पे आपको देखना है, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, यहाँ पे इसका मतलब व्हाट डज हेयर इन द कॉन्टेक्स्ट रेफर टू, तो फॉर द चिल्ड्रन, यहाँ पे हेयर का मतलब विल बी हेयर सून, यहाँ पे किसके लिए हेयर की बात हुई है, हेयर वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक, ये तो हो गया कि हमें अपने वर्क हार्ड करना चाहिए अपनी ड्रेस को बहुत अच्छा सुंदर दिखाने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, तो यहाँ पे किसके लिए बात हुई है, हेयर वर्क किसके लिए आया है, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए आया है यह क्वेश्चन है। अच्छा, चिल्ड्रन तो आते हैं, हेयर वर्क किसके लिए आया है, गार्डन के लिए, यहाँ पर है ना गार्डन के लिए, तो मैजिक गार्डन के लिए है। क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच इज एज मीन एज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब क्या होता है, टाइनी, ठीक है, टाइनी होता है। क्वेश्चन फर्स्ट द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट नंबर इज वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू, किससे बात करते हैं, फ्लावर्स बर्ड्स से, तो यहाँ पे क्या है, द बर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन द सन वॉज प्लीज्ड टू सी द चिल्ड्रन, जो सन है चिल्ड्रन को देखकर क्या करता है, रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन थ्री द फेवरीज ड्रेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, किससे बनी हुई थी, फ्लावर्स से, एंड द फिलिंग द ब्लैंक्स इज द मैजिक गार्डन वॉज वेरी प्रिटी, क्या थे, कैसा था मैजिक गार्डन, बहुत ही प्रिटी था, बहुत ही सुंदर था। सेकेंड द लिटिल गार्डनर्स वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, लिसन क्लास, फिलिंग द ब्लैंक्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है दिस, क्योंकि बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। सो ईच स्टूडेंट लर्न एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर वन टू मीन्स पैसेज टाइप क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेकेंड, टेक द करेक्ट आंसर, ठीक है, पहले आप ये लर्न करना, नेक्स्ट हम अपनी कल वाली क्लास में क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ करेंगे। थैंक यू।